राजधानी दिल्ली में एक मृत बुजुर्ग अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा हो गया। बुजुर्ग कैंसर से पीड़ित था, दिल्ली के द्वारका के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर था। इलाज में ज्यादा खर्च होता देख परिवार वाले बुजुर्ग को घर ले आए, लेकिन वेंटिलेटर हटाते ही बुजुर्ग की सांसें बंद हो गई। परिवार वाले बुजुर्ग को मृत समझकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले गए, लेकिन अंतिम संस्कार से ठीक पहले वो जिंदा हो गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के परिजन उसे बिना डॉक्टर की सलाह लिए डिस्चार्ज कराकर ले गए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, अभी तक अस्पताल की लापरवाही सामने नहीं आई है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।